बिल्कुल नए जैसे शू लग रहे हैं और इसमें भाई डिओड्रेंट वोड्रेंट मार के दिया गया। ये पटना में है, मुझे पहली बार पता चली है। इंसान की जिंदगी में जूतों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, खास करके जो यूथ है उसमें जूतों का बहुत ज्यादा क्रेज है। जूते से कहीं ना कहीं इंसान की शख्सियत का अंदाजा भी लगाया जाता है कि आपके जूते कितने क्लीन है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि अंदर बाहर करने के चक्कर में जूते सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। जब से बिहार राइड से लौटा था उससे पहले से ही मैं सोच रहा था कि अपने जो व्हाइट वाले शूज है उसको कहाँ पर क्लीन कराया जाए, कैसे क्लीन कराया जाए, क्योंकि व्हाइट शूज जब गंदे होते हैं ना तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मेरे पास थोड़े बहुत कलेक्शन है, 2-4 जोड़ी जो जूते हैं उसमें से इन सभी को तो घर में वॉश किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों जो शूज है ना, इसमें खास करके ये वाला, इसकी तो हालत खराब है। आप देखिए इसकी कैसी हालत हो रखी है, इतना गंदा हो रखा है। और इस वाले शूज को मुझे क्लीन कराना है, एक बार फिर से वही कंडीशन में लानी है जिस कंडीशन में ये था, क्योंकि ये बहुत गंदा दिख रहा है। तो आज इसी को क्लीन कराने के लिए हम लोग चलेंगे। मुझे पता चला है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपके जूते क्लीन होते हैं और वहाँ पर बहुत सुपर स्टाइल में काम होता है, हर तरह के शूज़ को क्लीन किया जाता है। तो अभी हम लोग फटाफट निकलते हैं घर से और मैं यही गंदा वाला शूज़ जो है ना वो पहन कर ले जाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के ये ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हेलो पटना, कैसे हैं आप सब? हम लोग एक बार फिर से सड़कों पर हैं और जा रहे हैं बोरिंग रोड की तरफ, क्योंकि बोरिंग रोड में मुझे अपने जूते साफ कराने हैं। और मेरे जूते आप देख सकते हैं कितने गंदे लग रहे हैं, कितने गंदे लग रहे हैं भाई। जब से हम लोग बिहार राइड से लौटे हैं ना, तब से आज पहली बार है कि मैं इस सड़क पर आ रहा हूँ और इस सड़क पर राइड करने की अपनी फीलिंग है, जो पटना वाले हैं वो तो जानते ही होंगे। नाउ यू आर क्रॉसिंग मोरिया होटल और डाक बंगला चौराहा की तरफ बढ़ते हुए। पटना में मौसम काफी अच्छा है, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी होती है, लेकिन जोर से बारिश नहीं होती है यार, ये बड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे। लॉकडाउन के टाइम में ये सारी शॉप्स बंद थी, लेकिन अभी जब खुल गई है ना तो काफी अच्छा लगता है। अभी पटना सेंट्रल मॉल बंद है, बाकी सारे मॉल्स अभी भी बंद है। पटना का मौर्य लोग फिर से गुलजार हो रहा है और यहाँ पर भीड़ दिख रही है और काफी लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं अब थोड़ा सा मस्ती करने के लिए, फन के लिए और कुछ खाने पीने के लिए। बताऊँ ये जो पटना म्यूजियम वाला जो है ना, अपना बिहार म्यूजियम वाले के सामने वाला जो रोड है, काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। हमें लेना है यहाँ से यूटर्न और यूटर्न लेके पीछे जाना है बोरिंग रोड में, क्योंकि हम लोग बोरिंग रोड को पीछे छोड़ आए हैं। इस बार बारिश बहुत हुई है, लेकिन ऊपर वाले क्रम रहा है कि बोरिंग रोड में पानी नहीं लगा। एक बार थोड़ा सा लगा था लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो गया था, नहीं तो अक्सर कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता था कि जो एसके पुरी का इलाका है वो पूरा पानी से डूबा ही रहता था। लेकिन चलो यार, खैर है खैर। हम लोग इधर पानी टंकी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से सीधे जा रहे हैं राजापुर की तरफ। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं रिवाइवल सर्विस सेंटर फॉर फुटवेयर एंड लेदर गुड्स। अभी जो मेरे शूज है ना जो काफी गंदे हो गए ना, उनको विदा करने का समय आ चुका है, क्योंकि वो जाने वाले प्रोसेसिंग में, और आफ्टर प्रोसेसिंग उनका देखते हैं क्या हाल होता है। यहाँ पर निखिल है, निखिल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई रिवाइवल शू पटना में उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वहाँ पे काफी टाइम कर चुका हूँ, ये पूरा येलो हो चुका था। सो फाइनली लाइक उम्मीद तो नहीं थी, बट आई एम सो सेटिस्फाइड। लास्ट टाइम मैंने जो दिल्ली में कराया था इट वाजंट दैट गुड, द कलर वाज लाइक काइंड ऑफ यू नो मोर वाइट, बट दिस इज लाइक लुक्स मोर जेन्युइन। सो आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड फॉर लाइक 650 रुपीस आई गॉट माय बोथ शूज बैक। अभी जो है ना मेरे शूज के रिवाइवल कराने की बारी है, इससे पहले निखिल भाई का हो चुका है। जब हम किसी चीज से फैमिलियर नहीं होते हैं, खास करके पटना में इस तरह कोई शू का भी लॉन्ड्री होगा, इससे मैं फैमिलियर नहीं था, तो मेरे लिए रेट बहुत बड़ा मैटर करता था कि रेट कितना होगा, क्या रेट लगेगा, कहीं बहुत ज़्यादा हाई प्राइस तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने रेट लिस्ट देखा तो मुझे खुद ही बिलीव नहीं हुआ कि इतना सस्ता भी हो सकता है। मैं सोच रहा था कि एक बार आखिरी टाइम आप लोगों को अपने जूते दिखला दूं, कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। इधर से भी
आगे से भी, इधर भाई बहुत गंदगी लगी है। लेकिन अभी देखते हैं ना कि हमारे शूज के क्या कंडीशन चेंज होते हैं। थोड़ा सा अंदर से एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहा था, तो मैंने मैम से बोला कि मैम थोड़ा सा प्रोसेस मुझे जो फर्स्ट वाला है ना वो दिखला दीजिए। तो मैम अंदर मुझे इजाजत दे दी कैसे कैसे क्या होता है। तो अभी हमारा ऑपरेशन क्लीन शूज शुरू हो चुके हैं। तो वहाँ पर अंदर जो है ना वर्कशॉप में हमारा शूज की क्लीनिंग चल रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं जहाँ पर ये रिपेयरिंग सेक्शन है। जैसे ये दिखाती हूँ, हाँ। ये शूज का अपर बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ। सोल क्रैक हो जाने की वजह से ये आपके यूज का नहीं है। ओके। तो यहाँ पे ये जो है इसका सोल रिप्लेस होगा, सोल रिप्लेस होगा। इसका कलर फेड हो गया था, तो इसमें जो है इसका कलर डाई हुआ है। और ये देखिए, अब ये सिर्फ उनको पता है कि ये उनका ओल्ड शूज है, लेकिन पहनने के बाद वो न्यू शूज लगेगा। यहाँ पे कैजुअल शूज भी है, यहाँ पे लेदर शूज भी है। और कस्टमाइज, जैसे अगर आपको अपने पैर के हिसाब से बनवाना है, हाँ। चाहे लेडीज हो जेंट्स, जैसे ये लेडीज का एक सैंडल बन रहा है, उनके कलर और उनके चॉइस के हिसाब से। तो ये जैसा ये हमारा भी, मतलब कि खुद से भी अपने डिजाइन को आप चूज कर सकते हैं और उससे इसको बनवा सकते हैं जैसा आप चाहें। ये अभी फर्स्ट स्टेज गया है, इसके बाद इसका और प्रोसेसिंग होगा, तो ये वापस पूरा रीशाइन करेगा। और उसके बाद जैसे जो थोड़ा बहुत इसमें टियर एंड वियर होता है, वो फिर हम उसको उस अकॉर्डिंग जो है वो करके देते हैं। तो भाई आपके पास अगर लेदर जैकेट भी हो जो बहुत दिनों से पड़ा है वैसी, तो यहाँ पर वो भी काम हो जाता है। और ये आ गया हमारा शूज, आप देख सकते हैं। मैं खुद ही देख लूँ पहले यार कि क्या कंडीशन है इनके। ओ माय गॉड, सारी गंदगी निकल गई है भाई, और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल नए जैसे शूज लग रहे हैं। और इसमें भाई डिओड्रेंट ड्योड्रेंट मार के दिया गया था, सिर्फ अपने लिए नहीं होता बल्कि शूज़ के लिए भी होता है, आज मुझे पता चला। तो ये वो शूज़ है जो बहुत गंदे से होकर के मेरे पैरों से निकल करके अंदर गए थे, लेकिन अभी प्रोसेसिंग में, आफ्टर प्रोसेसिंग बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। मुझे ये तकरीबन 1.5 आवर में ये शू मुझे मिल गए हैं, और काफी अच्छे कंडीशन में देख सकते हैं, दोनों तरफ से काफी क्लीन हो गए। अभी इसको पहन करके हम लोग निकलेंगे घर, लेकिन जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस रहा भाई। मेरे को नहीं पता था कि पटना में कुछ इस तरह का कंसेप्ट शुरू हुआ है, जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। खास करके एक मिडिल क्लास का इंसान यही सोचता है कि उसे भी एक एलीट क्लास की तरह ही सब कुछ फैसिलिटीज मिले और सब कुछ मिले। बाहर के जगह पे तो सुनने को मिलती थी, लेकिन ये पटना में है मुझे पहली बार पता चली है। आप इसको ऑनलाइन भी टच कर सकते हैं, और जो मटर गश्तियंस हैं, यानी कि मेरे अपने फैमिली के मेंबर्स, अगर वहाँ पर आते हैं आप बताइएगा कि मटर गश्ती फैमिली के हैं, तो फिर आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है भाई। हमारे साथ हैं इस नए वाले कंसेप्ट को पूरे बिहार में पहली बार लाने वाली शाजिया मैम। मेरे दिमाग में सिर्फ सिंपल सा इतना था कि मैंने देखा कि हर एक प्रोडक्ट का अपना सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवेयर या लेदर गुड्स का सर्विस सेंटर नहीं है। तो तभी से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि पटना में कुछ इस तरह का रिवाइवल शॉप हो, जहाँ पर हम बेफिक्र होकर के अपने गंदे शूज ले हैं और एज गुड एज न्यू की तरह ले आ, जैसे कि यहाँ पर रिवाइवल के नीचे लिखा हुआ भी है। थैंक यू। तो सर्विस बहुत अच्छी दी जा रही है यहाँ पर। जहाँ तक अगर बिल की बात करें, ये वाला बिल जो है 250 रुपये का है फॉर क्लीनिंग, और 100 रुपीज़ जो है इसका चार्ज लगा है एक्सप्रेस क्लीनिंग सर्विस का। तो अभी भाई यहाँ से निकल रहे हैं। अब मेरे शूज़ देख लो, मेरे पैंट जो आज ही धुली उससे ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं। तो फिर ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पटना में इस तरह की चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। मिलता है आपका भाई साहब नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।